यही बात हमारे गले नहीं उतर पा रही। दिल में बार बार एक नया सवाल आ रहा है, इस जिंदगी में भी हम चोरनी से। ऐसा कैसे हो सकता है? होशियार इंसान अपनी गलती से सीखता है, और हम बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार। हर जिंदगी में इसके जाल में फंसना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम आजाद परिंदे हैं और रहेंगे। वैसे तो इतनी बड़बड़ करता है, पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ, ये बचाने कहाँ से आ जाता है? मतलब ये तो है ही, जरूर मेरी मदद करने के पीछे भी इसका कोई ना कोई मतलब छुपा होगा, और पता लगाने का एक ही तरीका है। मैं देखकर मुस्कुरा रही हूँ? नहीं, तुम्हारे पीछे वो जो मक्खी उड़ रही है ना, उसे। सामने तुम खड़े हो तो तुम्हें ही देखकर मुस्कुराऊंगी ना। चिढ़ने से कुछ हाथ नहीं आएगा, आराम से, आराम से। क्या हुआ, आंखों में धूल चला गया क्या? ऐसे से क्यों कर रही हो? तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो, और आज भी मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, शहजादे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। प्यारे नहीं, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, बहुत खतरनाक होते हैं शहजादे, दूर रहो, दूर रहो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना बस मेरा दिल फिसल जाता है। कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये किसने कहा है? पता नहीं, हमारा मतलब अब तक तो नहीं कहा, लेकिन एक दिन कहेगा जरूर। मिठाई की कोई दुकान थोड़ी ना, जो जलेबी पे जलेबी तले जा रही थी। खजूर बराबर बोला। तुम दोनों ना, मैं काम कर रही थी, बीच में क्यों आए हो? अरे पर बहुत शैतान हो गए। यास्मीन, मेरा बच्चा है तू। अरे चला चला भागता भागता और नहीं मेरे आगे। शुक्र है तुम दोनों सलामत हो। बड़ी उस्ताद यास्मिन जिनू आका धोती। ये दोनों को ज्यादा ठीक नहीं लग रहे ले? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम दरअसल देख रहे थे कि यास्मीन की यास्मीन की आंखें हंसी नहीं, तबियत देख रहे थे हम कि तबियत कैसी है। मेरी तबियत को क्या हुआ? उल्टा मैंने तुम्हें कालीन से गिरने से बचाया। हाँ हाँ, तुम नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता ना। अब बस बस बस, तुम दोनों लड़ना बंद करोगे?
गए अलादीन। अब तुम्हारा क्या होगा? हमने क्या किया? सुल्तान, हम तो आपके आतिशबाज है ना, आप पर हम तो भरोसे की डोर से बंधे थे, तो फिर हमें बांधने की नौबत क्यों आ गई? पहले हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, फिर हम तुमसे बात करेंगे। कैसे इम्तिहान? दो बूंद जिंदगी या दो बूंद मौत। मतलब देखो अलादीन, इम्तिहान बड़ा आसान है। इन दो शीशियों को देख रहे हो? अब इनमें से किसी एक को तुम्हें चुनना है और फिर उसमें से तुम्हें दो बूंदें पिलाई जाएंगी। लेकिन जरा संभल के चुनना, क्योंकि एक में जहर है और दूसरे में शरबत। हमने तुम्हें बहुत मौके दे दिए अलादीन, और अब तुम्हारी किस्मत ही इस बात का फैसला करेगी तुम जिंदा रहोगे या नहीं। चलो चुनो। फंस गए। कैसे पता लगाएं किस शीशे में जहर है, किसे चुनें, गुलाबी या नीली? गुलाबी वाली, क्योंकि जहर को हमेशा नीला होता है ना, इसलिए गुलाबी। ये मैं सपना देख रहा हूँ क्या? क्या हुआ अलादीन? ए मक्खन मलाई, तू गुलाबी चुन, अपुन को मस्त लगता है और अपुन को एक धोखा भी का नहीं देती क्या? नीली शीशी अलादीन। जल्दी करो अलादीन, वरना दोनों तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी दोनों ही हमारी मुट्ठी में होंगी। अम्मी मदद कीजिए। अलादीन, नीली शीशी चुन। सुल्तान, नीली वाली। सही खेल गए, हम बच गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। बेहतरीन अलादीन, तुमने जिंदगी को चुना। अब तो सुल्तान बता दीजिए, ये आप मुझसे खफा क्यों हैं? यास्मीन को सजा के तौर पे रेगिस्तान भेजा था,
बचा लाए। क्यों? आपने उसे सजा दी थी, आपने। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने उसे सजा दी है? हम तो अपनी कालीन पे सैर पर निकले थे और जाते जाते देखा कि यासमीन नीचे फंसी हुई है, वो भी मुसीबत में, तो हमने उसकी मदद कर दी। अब आप तो जानते ना कि शहजादे कैसे होते हैं, मददगार। लेकिन अगर हमें पता होता कि उसे आपने सजा दी है तो हम उसकी मदद नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी नहीं। सुल्तान देखिए, आपका गुस्सा जाहिर है, लेकिन हमें पता नहीं था ना। अगर हमें पता होता तो हम नहीं करते, और आपने भी हमें कहाँ बताया, नहीं आपकी हरकतों से हमें पता लगा। लेकिन अब पता चल गया, और बुरा मत मानिएगा, आपकी नफरत बड़ी रहम वाली, लेकिन अब वो आपकी दुश्मन है, मतलब हमारी दुश्मन है। आप उसको हमारे हवाले कर दीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि नफरत होती क्या है। हम खामखा फिक्र कर रहे थे, इन दोनों की मोहब्बत का फूल तो 18 साल पहले ही मुरझा गया था, और मुरझाया हुआ फूल दोबारा खिला नहीं करते। हम और किस्मत, हम दोनों ही तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं। अब तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक है, बेहतरीन। जान बची तो लाख हो पाए। लौट के आका घर को आए, मेरे मतलब है तालीम घर को। अच्छा जिनू, हमारी ठीक होने की खैरियत तुमने सबको दे दी ना? सबको? हाँ सबको बता दिया। रुखसाना, रेहाना, सलमान, शाहरुख, आमिर, बड़ी उस्ताद, तोती, सब। कोई नहीं रहेगा? नहीं, सबको बता दिया। अरे वो क्या कहते हैं, वो रह गई ना, क्या नाम है उसका, अरे क्या नाम है, टोरनी रह गई ना। अब है ना ऊंट पहाड़ के नीचे, सब भी कह रहे हैं। असल मकसद तो चोरनी के बारे में पता करना था। जिनू तुम समझते नहीं, दरअसल क्या है ना कि चोरनी ना हमसे लड़ने के लिए बहाने ढूंढती है। अब अगर उसे ये नहीं पता चलेगा ना कि हम ठीक हो गए, तो इस बात के लिए भी वो लड़ेगी। तुम समझते नहीं हो यार। वैसे वो ठीक है ना? चल क्या रहा है, वो ठीक है, मैं ठीक हूँ। आका ऐसा ना आप समझे कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है, मैंने सब देखा है। क्या देख लिया है? आंखों में आंखें डालना, बाहों में बाहें। मैंने नहीं, बड़ी उस्ताद और बाकी सब ने देखा। क्या आंखों में आंखें डाली थी, बाहों में बाहें? आंखों में आंखें तो ऐसे डाली थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें कि अगर गलती से एक उंगली भी आंख में छू जाती तो अश्क नहीं, इश्क बहता, इश्क। जब ये पत्ती आपके पास होगी और आपकी मोहब्बत और आपके हम सफर आपके पास होगी, तो कायनात का कोई भी ग्रह, भले ही वो रेगिस्तान में क्यों ना हो, उस पर बाहर आ जाए। सही क्या खेल गए, ये बताइए रेगिस्तान में ऐसा क्या हुआ, इतने करीब आ गए। जिनू ये सब छोड़ो, हमारा पहला मकसद है सफर से अपनी अम्मी और बगदाद के और लोगों की याददाश्त वापस लाना। ये की ना मतलब की बात, लेकिन इसके लिए थोड़ी देर के लिए आपको अपने ख्वाबों को दरकिनार करना पड़ेगा और ये बताना होगा कि हम आगे क्या करें।
जिसमें हम माहिर हैं। माहिर मतलब? परेशान मत हो जिनू, जब हम और तुम हैं साथ, सर पर है अम्मी का हाथ, तो फिर मुश्किलों की क्या दिशा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम और अलादीन अगर सही सलामत वापस आ गए तो मैं दरगाह में चादर चढ़ाऊंगी। मुझे खुशी है कि ये मन्नत मैं तुम्हारे साथ पूरी कर रही हूँ यास्मीन। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद ठीक होने में वक्त लगता है, इसलिए तुझे अपने साथ यहाँ ले आई। शुक्रिया बड़ी उस्ताद, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया मेरा नहीं, अलादीन का कर। अच्छा हुआ वक्त रहते हुए वो पहुँच गया, वरना शुक्रिया उसका तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो यास्मीन? यास्मीन अलादीन ने जान बचाई है तुम्हारी, सिर्फ आज नहीं कई बार। बड़ी उस्ताद, उस जैसे लोगों से दूर रहना ही ठीक होता है। कमाल है, यहाँ तुम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती और वहाँ किसी ने तुम्हारा और उसका नाम एक साथ दीवार पर लिख रखा है। क्या? हाँ चलो दिखाती हूँ। ये देखो लिखाई बरसों पुरानी लगती है ना? मैं नहीं जानती बड़ी उस्ताद, लेकिन मैं अलादीन को जरूर जान गई। वो ना हो ये उसी का काम, और उसने खुद नहीं किया होगा तो किसी से करवा लिया होगा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि ये भी उसने उस मनहूस किताब में पढ़ा हो, न जाने वो मुझसे क्या चाहता है। यास्मीन क्या कर रही हो? यास्मीन चलिए बड़े उस्ताद, देर हो रही है। निकम्मा शहजादा बहरूपिया है बड़ी उस्ताद, मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं। ये वाला नहीं, वो वाला। वो वाला। अरे तो पहले बताना चाहिए था। अभी जंग में हमने दुश्मन को धो डाला, मिले हुलिया वो वाला। जिनू अभी ये क्या है? क्या किया? अरे इन कपड़ों में मैं कितना अच्छा लगता हूँ, तो आप भी तो अच्छे ही लगेंगे। जिनू तुम पर तो सब कुछ जचता है, क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे, हो ही इतने प्यारे। होता है, लेकिन हमें जफर से उसकी सबसे ताकतवर चीज चुरानी है, उसकी जादुई छड़ी चुरानी है, उसका दस्ताना चुराना है। समझ में आया कुछ? चटर बटर, निकम्मा शहजादा मेरी नजरों में ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर उस सीढ़ी का रास्ता मैंने बंद कर दिया है। क्या ऊपर नीचे कर रही है बाप? साफ साफ बोलना। साफ साफ बात ये है कि मैं जब भी कहीं भी किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में होती हूँ, वो निकम्मा शहजादा हर जगह कैसे आ जाता है, ये बात मुझे जाननी है। बिड़ू, मक्खन मलाई आशिक तो नहीं हो गए? उस जैसे निकम्मे शहजादे बिगड़ैल होते, अड़ियल होते, बदतमीज होते हैं, आशिक नहीं होता। पर फिर भी जब वो मुझे अपनी उन निकम्मी आंखों से देखता है, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे जानता है, मुझे समझता है। उसे मुझसे कुछ चाहिए चटरपट, और क्या ये मैं आज पता लगा कर रहा हूं।
चोर के हुलिये में भी शहजादे लगते हैं, नजर ना लगे। शहजादे ऐसे ही होते हैं। किस्मत हमें फिर से उसी मुकाम पे ले आई है जफर, तू भी वही है और हम भी, बस कहानी थोड़ा अलग ढंग से खत्म होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.